द्वारका मुद्रा 2। द्वारका में निवासियों की पहचान का एक चिन्ह था उनकी तीन सिर वाली मुद्रा। इसके माध्यम से द्वारका राज्य की प्रजा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के साथ विस्थापित हुई थी, स्वयं को जरासंध के घुसपैठियों से अलग पहचान करने के लिए उपयोग करती थी। द्वारका के समुद्र उत्खनन में प्राप्त हुई वस्तुओं में 18x20 mm की एक मोहर भी शामिल है, जिस पर बैल, एक तांगा वाला और एक बकरी अंकित है। इस खोज से जलमग्न द्वारका को भारत में पाए गए द्वारका से भी जोड़ा जा सकता है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि महाभारत में लिखे तीन सिरों वाले जानवर की मुद्रा लेखक की कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक है। जब डॉक्टर सर राव ने इस मुद्रा का अध्ययन किया, उन्होंने कहा, इस मुद्रा से हरिवंश में लिखी गई बात की पुष्टि हो जाती है कि द्वारका का प्रत्येक नागरिक इस मुद्रा को एक पहचान के रूप में सदैव अपने साथ रखे और इसे कोई भी व्यक्ति जिसके पास वो मुद्रा ना हो द्वारका में प्रवेश नहीं कर सकता। द्वारका की यह मुद्रा सिंधु घाटी की अन्य मुद्राओं से मिलती जुलती है। इसका आकार, इसकी कला, बनाने की प्रक्रिया उनके समान है, इसलिए स्पष्ट हो जाता है कि यह भी सिंधु घाटी के समान 3000 ईसा पूर्व में पाई जाती थी। इस तथ्य से हम द्वारका के समय काल का अंदाजा भी लगा सकते हैं। 3000 ईसा पूर्व। पुराणों में लिखित और उत्खनन में प्राप्त हुई ये मुद्रा द्वारका को छोड़कर भारत के और किसी भाग में नहीं पाई गई। इस मुद्रा की खोज से ना ही सिर्फ हमारे पुराणों की बल्कि उनमें लिखित अंतर वस्तु की प्रामाणिकता स्पष्ट होती है। हजारों वर्षों से पूरे विश्व में ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का केंद्र रहा है यह अतुल्य भारत।